दिस एंड दैट की वीडियो। आई होप आपका ये कंसेप्ट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दिस एंड दैट क्या है और इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। एंड दैट एक प्रोनाउन वर्ड है। दिस जिसे हम हिंदी में यह कहते हैं। ओके, सेकेंड है दैट। को हम हिंदी में वह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस एंड दैट यूज्ड फॉर अ सिंगल person, place, animal and thing. This and that का use हम करते हैं किसी चीज़ को indicate करने के लिए। किन चीज़ों के लिए करते हैं? कोई भी single person, प्लेस या एनिमल या थिंग, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखते आगे देखो, जैसे दिस, पहले हम दिस का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। दिस मतलब जो चीज हमारे पास में होगी उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे। ओके, अब दैट का समझ लेते हैं। दैट का है जो चीज हमसे दूर होगी, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट। हमें ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है दिस और दैट के यूज से। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, कार देखते हैं। फर्स्ट में आपकी कार की पिक्चर ड्रॉ की गई है जो आपके बिल्कुल पास में है, तो पास के लिए हमने क्या शो किया था? दिस। तो इसमें क्या जाएगा हमारा? दिस। ओके, नेक्स्ट है काइट। काइट भी बिल्कुल हमारे पास में है, तो जो चीज़ हमारे पास में होती है वो उसके लिए किसको यूज़ किया जाता है? दिस को। इसमें भी हमारा दिस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल हमसे दूर है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट। तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ एन एप्पल। नेक्स्ट है हमारा टेंट। टेंट भी हमसे दूर है, तो इसके लिए भी किसका यूज़ होगा? दैट इज़ अ टेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्री। ट्री हमारे बिल्कुल पास में है, और पास के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दिस। तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ ट्री। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, जो कि हमसे दूर है, और दूर के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट का। दैट इज अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है टीवी। टीवी हमारे पास में और सिंगुलर है। सबसे जरूरी है याद रखना कि सिंगुलर चीजों के लिए यूज होते हैं दिस एंड दैट। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस, दिस इज अ टीवी। नेक्स्ट है बुक, और बुक हमसे दूर है, तो दूर के लिए क्या यूज होगा? दैट। ओके, नेक्स्ट बॉल। बॉल हमारे पास में, और पास के लिए किसका यूज करते हैं? दिस का। लैम्प, लैम्प हमसे दूर है, और दूर के लिए क्या आएगा? दैट। नेक्स्ट है सोफा। सोफा हमारे बिल्कुल पास में, और इस पास के लिए किसका यूज होता है? दिस का। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा? यूज ऑफ दिस एंड दैट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।